हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्राइव एक्सपो। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रेटा का नाइट एडिशन पोलर वाइट कलर में। जी हाँ, ये आपके जो क्रेटा में सारे कलर आते हैं उन सब में नाइट एडिशन आएगा। हमें लगा था जैसे नाइट एडिशन है, मतलब जैसे टाटा का वो आता था ना हैरियर का डार्क एडिशन, सफारी का डार्क एडिशन जो इनके आए हैं, तो मुझे लगा इसमें ये नाइट एडिशन रहेगा, खाली ब्लैक कलर में ही आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये वाइट, रेड, ब्लू, जो भी इसके सारे अटम सटम कलर है सबके अंदर ही आएगा नाइट एडिशन। जिसको जो पसंद हो वो ले सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पोलर वाइट कलर में। मॉडल मैं आपको बता दूं है एस प्लस पेट्रोल इंजन के साथ, आईएमटी ट्रांसमिशन ही है, मैनुअल है। तो चलो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में आपको वही ट्राइबीम हेडलैम्प मिल जाते हैं जो आपको एसएक्स में से आने एसएक्स पे आने शुरू होते थे। एसएक्स एग्जीक्यूटिव ले लो, अभी तो एसएक्स एग्जीक्यूटिव में आने शुरू होते हैं ये, क्योंकि इसे प्लेस ही ऐसा किया है कि एस और एसएक्स एग्जीक्यूटिव इसके बीच में इसको प्लेस किया है एस प्लस के नाम से। तो इसमें जो कुछ फीचर्स फालतू मिले हैं वो भी बताएंगे, और जो जो चीज़ें आपको एस से फालतू मिलती है वो भी बताते हैं। तो पहले तो आपको ट्राइबीम हेडलैम्प मिल जाते हैं जो आपको एस में नहीं मिलता, उसमें खाली एक प्रोजेक्टर मिलता है, और उसके डीआरएल भी पतले हैं। इसके डीआरएल आपके जो डीआरएल हैं ये भी बड़े मोटे मोटे से हैं। फॉग लैंप्स आपको वही मिलते हैं, एस में भी मिल जाते थे ये हैलोजन फॉग लैंप्स विद इंडिकेटर। जो डिफरेंस है एस प्लस जो नाइट एडिशन का वो है इसकी फ्रंट ग्रिल में। तो ये आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में मिल जाती है एक तो, और इसके सेंटर में आपको ये रेड लाइन मिल जाती है, रेड इंसर्ट आप ले लो। तो जो है ये वाइट कलर में भी कईयों को पसंद आ सकते हैं, मुझे पर्सनली ये ब्लैक कलर में बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने जो फोटोज़ और वीडियोस देखी है ना, एक दो चार वीडियोस आई हैं यूट्यूब पे पहले ही, तो उसमें ब्लैक मेरे को ज़्यादा जचा है। बाकी दूसरा चेंज फ्रंट में है, इसकी फ्रंट की सिल्वर स्किड प्लेट्स थी, अब उन्हें भी पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया कंपनी ने। तो फ्रंट में तो यही दो चेंज थे। अब लेफ्ट की बात करें, साइड प्रोफाइल में हम चेंज की बात करें, तो एक तो इसके अलॉय व्हील्स, टायर साइज़ तो वही है 205/65 R16। तो इसके अलॉय व्हील्स अब कंपनी ने डार्क ग्रे कलर के दिए हैं, ब्लैक नहीं है, डार्क ग्रे हैं। और जो इसके ब्रेक कैलिपर्स हैं अब ये भी रेड कलर के दे दिए कंपनी ने। तो पहले ही आते थे सिल्वर के, अब कंपनी ने रेड दे दिया, तो अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। बाकी देखना ये है कि अब ये एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट में जो आएगी है नाइट एडिशन, उसके में उसमें चारों डिस्क आती हैं, तो उसमें पीछे वाले कंपनी सिल्वर देगी या रेड देगी उसमें ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो पीछे ड्रम आती हैं, तो ये तो ब्लैक है, इसमें तो कंपनी ने कुछ नहीं किया, आगे वाले रेड दे दिए। अब दूसरे चेंज की बात करें साइड प्रोफाइल में, तो इसका जो ये था पूरा यहाँ पे आपको मिलता था सिल्वर फिनिश में, अब ये वो हो गया पूरा ब्लैक। तो इसमें तो जो भी है लोगों को कैसी लगती होगी तो लोग बता ही सकते हैं, बाकी मेरे को ये ब्लैक में ही अच्छी लगेगी, इसमें मेरे को वाइट में इतनी नहीं जची मेरे को। और ऊपर रूफ रेल्स की बात करें तो रूफ रेल्स भी आपको इसमें ब्लैक कलर की मिल जाती हैं, शाफिन एंटीना भी आपको इसमें ब्लैक कलर का मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश बोलना है, ब्लैक क्या है तो पियानो ब्लैक फिनिश ही। और पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इसमें मिल जाती है, वो आपको मैं अंदर से खोल के भी दिखाऊंगा। तो रूफ पे एक तो शाफिन एंटीना हो गया पियानो ब्लैक फिनिश का, रूफ रेल्स हो गई, ये भी हो गया आपका। और साइड प्रोफाइल में एक चेंज और है, वो है इसके यहाँ पे जो इसकी साइड की स्किड प्लेट्स थी ये भी सिल्वर थी, ये भी कंपनी ने पियानो ब्लैक फिनिश में कर दी है। अब चलते हैं रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर में तो आपको वही LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो एस में भी आते थे, जो ये ब्लैक पार्ट ये आप देख रहे हो ये हर वेरिएंट में आ रहा है। अब पता नहीं ये ठोक के बाद इन्होंने ब्लैक में पेंट करा लिया, मुझे नहीं पता, पर चलो इसके लिए तो एक बार सोच सकता था, नाइट एडिशन के लिए दे रहे हैं इसको, पर और वेरिएंट्स में भी दे दिया, मेरे को पल्ले नहीं पड़ी ये चीज़। पर जो भी है इसमें ये आपको अलग से नहीं मिल रहा, ये हर वेरिएंट में ये तो है ही। रेयर वाइपर एंड डिफॉगर भी आता था इसमें, ये हो गया इसका ब्रेक लैम्प, नाइट की बैजिंग अब आपको यहाँ मिल जाती है, एडिशन नहीं लिखा खाली नाइट नाइट लिखा है बस इन्होंने। अब रेयर में जो एक चेंज था वो तो ये तो एम्बलम का हो गया, बाकी एक क्या आपको रेयर की जो सिल्वर स्किड प्लेट थी वो भी कंपनी ने पियानो ब्लैक फिनिश में कर दिया अब। और मिट्टी मुझे पता है इस पर कैसे नहीं दिख रही है, कैमरे में नहीं दिख रही होगी। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो कीलेस एंट्री आपको ड्राइवर साइड मिलती है, लेकिन डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर मिलते हैं। तो ये तो इसका ड्राइवर साइड डोर हो गया, जो पूरा इसका इंटीरियर है, पहले क्रेटा में आता था ड्यूल टोन ब्लैक प्लस बेज, इसमें पूरा आ गया ब्लैक। और ये आपके रेड इंसर्ट्स, पूरे एसी वेंट्स, सारे एसी वेंट्स आपको मिल जाते हैं, सीट्स पे इनकी पाइपिंग भी मिल जाएगी, रेड स्टिचिंग भी मिल जाएगी, गियर नॉब के पास हर जगह, मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। पर जो ये इंटीरियर है ये वो टर्बो वाला दे दिया इन्होंने, बस फ़र्क कहाँ आ गया म्यूज़िक सिस्टम पे, म्यूज़िक सिस्टम वही एस वाला ही दिया है, EX और एस वाला। तो ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो वही सारे पावर विंडो से कंट्रोल, वार विंडो से कंट्रोल, बस फोल्ड एंड फोल्ड नहीं है, बाकी सब है। डोर हैंडल्स आपको सिल्वर कलर में मिलते हैं, बोटल होल्डर और थोड़ी सामान रखने की जगह मिल जाती है, ये हो गया इसका ग्रैब हैंडल। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, उससे पहले आपको दिखाते हैं ड्राइवर साइड सीट, वो आपको मिलती है हाइट एंड बैक एडजस्टेबल मैनुअली, और ये आगे पीछे भी आप मैनुअली ही कर सकते हो।
ये फ़ोन ओवरहीट हो गया ना, बंद हो जाता है, इसलिए फ़ैन थोड़ा सा बस। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका स्टीयरिंग व्हील, जो आपको ना ही लेदर स्टिच मिलता है, बस फ्लैट बॉटम में डी कट आप समझ लो मिलता है यहाँ पे। इसको आप इसमें आपको मिलते हैं इसके म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल, वॉइस कमांड, फ़ोन उठाने काटने के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ मिलता है आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल, और बाकी इसके आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। डिजिटल आपको नहीं मिलता, जो ऐसे डीजल में आता था, पेट्रोल में इन्होंने नहीं दिया था, बाकी देखते हैं एस प्लस डीजल में क्या पता दे दें, क्योंकि इसमें ये है आपका एस प्लस पेट्रोल है ना मैनुअल, ये देखो नीचे क्लच है। बाकी इसके जो गियर नॉब है यहाँ पे भी कंपनी ने रेड स्टिचिंग दी है, सीट्स पे भी दी है, ये देखो। पूरी पाइपिंग के साथ चाबी की बात करूँ तो चाबी इसकी आप देख सकते हो वही मिल रही है आपको, लॉक अनलॉक और आपका बूट खोलने का ऑप्शन है बस, और कुछ नहीं है। चाबी पे स्मार्ट की मिल जाती है बस यही है। तो स्टीयरिंग व्हील की बात हो गई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही पहले वाला आ रहा है सेम है, लाइट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इसमें मिल जाते हैं, लेफ्ट में आपको इसके वाइपर से कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन इसमें यहाँ नहीं है, और लाइट लेवलिंग का ऑप्शन बस। सेंटर कंसोल पे हैं तो वो आप ये हो गए आपके सारे रेड इंसर्ट्स। डैशबोर्ड पे कोई सॉफ्ट पेंट फिनिश मुझे नहीं है, और म्यूजिक सिस्टम आपको वही एस वाला मिल जाता है, ये हो गया इसका ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स। नीचे आपको मिल जाता है इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट, यूएसबी पोर्ट और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस चार्जिंग इसमें आपको नहीं मिलती है। मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात करें तो ये बनी है 18 अप्रैल 2022 को, और आज की मैं आपको डेट दिखाता हूँ 25 अप्रैल, तो ले लो 18 को बनी, 18 को ही वहाँ से चल देती हैं, तो हम ले लेते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, वही 7-8 दिन लग गए इसको यहाँ पहुँचने में, जो यूजुअली लगते हैं कई बार आ जाती हैं 3-4 दिन में, पर इस बार ज़्यादा ही लेट हो गई, जब जल्दी आनी चाहिए तब तो जल्दी नहीं आई। और यहाँ पे आपको इसमें कोल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इनर रियर मिरर आपको इसमें मैनुअल मिलता है, ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता, पैसेंजर साइड आपको मिल जाता है विदाउट कवर विदाउट लैम्प, लैम्प आपको सेंटर कंसोल पे यहाँ पे मिलेंगे सेंटर में। LED आपको लैम्प्स मिल जाते हैं, ये आपके हो गए डोर पे, और ऐसे आपको ऑफ रखने तो ऑफ, एक साथ ऑन करने तो ऐसे ऑन हो जाएंगे। बाकी इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है, ये मैं आपको ऑन खोल के दिखाता हूँ। भाई साहब कितनी आवाज आई है इसके खुलने में, चिपक गया था। हमें से बोला हम बंद, बाकी एक चीज़ की जो मेरे उसमें कमी लगी ना, इसके ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर, ये सब ब्लैक करके रूफ भी इसकी ब्लैक देनी थी जैसे i20 N9 में देते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया लगता, नाइट एडिशन के लुक तो अब आती है इसके अंदर से, अभी नहीं आया मज़ा नहीं, बस ये चीज़ रहेगी एक कमी ऊपर की, ये पूरा ब्लैक होना चाहिए तो तब आता असली। तो बाकी और क्या है जो चेंज थे वो मैंने आपको दिखाया, पीछे जाके और दिखाते हैं कंट्रोल, बाकी सब फीचर्स तो वही हैं, कुछ खास ऊपर नीचे नहीं हुआ, बस एस प्लस में इन्होंने जो ऐसे फालतू देने थे, सनरूफ दे दिया, ड्राइविंग हेडलैम्प दे दिए, और आपका क्या दिया था, एक तो ड्राइविंग हेडलैम्प हो गया, सनरूफ हो गया, और आपकी ग्रिल चेंज हो गई, क्रूज कंट्रोल वगैरह सब उसमें भी थे, लेदर स्टीयरिंग व्हील तो इन्होंने दिया ही नहीं कभी, एस में ना अभी तक, ऐसे SX एग्जीक्यूटिव से आएगा वो भी। चलो पीछे वाली सीट्स पे चलते हैं, इसको बंद कर देते हैं, आगे जरूरत थी इसके। तो रेयर की सीट्स भी इन्होंने वही कर दी, हाँ रेयर के आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं मिलते, नहीं रेयर में कोई आपको हेडरेस्ट मिलता है, आगे के दो हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं बस। ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, पैसेंजर सीट के पीछे भी आपको मिल जाता है, ये रेयर है। ओहो यहाँ कंपनी चूक गई, रुक जाओ पैर, यहाँ कंपनी चूक गई, यहाँ कंपनी से गड़बड़ हो ली, इनसे ये चेंज नहीं हुआ, जब आगे वाले दे रहे हो रेड वाले तो पीछे वाले भी दे देते, तो पीछे में क्या दिक्कत थी, यहाँ कंपनी चुक गई। USB चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है, वही सामान रखने की जगह मिल जाती है, बस यहाँ कंपनी ने से ध्यान नहीं गया या ये दिमाग से गई उतर, बस ये यहाँ भूल गए, इन्होंने यहाँ पे इसको रेड देना चाहिए था, ये गड़बड़ कर दी, आगे वाले जब से रेड दे रहे हो तो पीछे वाले भी देने थे, ले जानी है बस 2 मिनट में फ्री हो गई, वहीं वॉशिंग पे लानी है ना, वहीं ले आऊँगा। तो ये तो वही रेड आपको मिलने थे जो इन्होंने नहीं दिए, बाकी रेयर में और कोई चेंज नहीं है, वही आपके पूरे ब्लैक डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं, ये आपके कर्टन्स हो गए,
ये मैं यहाँ पे आपको लैंप्स मिल जाते हैं, सनरूफ वैसे यहाँ आ जाते हैं और एलईडी आपको मिल ही जाते हैं। और इसका प्राइस वगैरह आपको आपको शो हो रहा होगा, इसका प्राइस एस प्लस का जो भी सारे वेरियंट्स हैं उनके प्राइस आपके पास शो हो रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट से पूछ सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।